नमस्कार newsabtak.in से मुकेश मिश्रा आज की दिन भर की खबरों के साथ। मैहर के शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य ने चौकीदार को काम से निकालने की दी धमकी। मैहर के शासकीय बालक हाई स्कूल के प्राचार्य द्वारा 5 वर्ष से चौकीदार का काम कर रहे युवक को धमकी दी कि यदि तुम चौकीदार का वेतन मांगोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। युवक अपनी पत्नी सहित स्कूल में ही खाना बनाने का काम करते और उनको मासिक 3,000 रुपए दिया जाता है। युवक ने चौकीदार का पैसा प्राचार्य से मांगा तो प्राचार्य ने धमकी दी कि तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। चौकीदारी का पैसा नहीं मिला सर जी, मैं मध्यान्ह का भर मिलता है। मैं तो 2013 से चौकीदारी कर रहा हूँ। 20,000 भर दिया गया है मेरे को, अभी उनका पैसा खत्म नहीं हो पाया है। सर का कहना चौकीदारी का पैसा नहीं दिया गया। अब बोला गया था आपको चौकीदारी का पैसा? हाँ, मेरे को बोले थे, वीरेंद्र पांडे बोले थे और ये सरदार सर भी बोले थे पैसा देने के लिए। करो और 1,700 रुपए मिलेंगे तुमको। पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे को लेकर SP से मिले जिले के समस्त पत्रकार संगठन। 4 दिन पहले मैहर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 3 पत्रकारों पर जबरन मुकदमा लादने के मामले में बुधवार को पत्रकारों के संगठन ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। पत्रकारों ने SP से मामले की निष्पक्ष मांग की है। पत्रकारों की पत्नी सहित समर्थक और पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष मांग की गुहार लगाई है। पुलिस कप्तान राजेश सिंगाड़कर ने कहा है कि जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। newsabtak.in से मुकेश मिश्रा। फ्राइडे के दिन एक जलसे के दौरान झंडे को लेकर एक विवाद हुआ था। पत्रकार होने के नाते कवरेज करने के लिए गए हुए थे, मगर पर्सनल कह दीजिए या कुछ भी विवाद, जो भी मतभेद इन लोगों के रहे हों, उसमें इन लोगों का नाम उसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व कर दिया गया और जिस तरीके से उनको इस केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है उस केस को लेके तो उनको है ही, और 7+ हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा बेटा 4 साल का है, वो बुखार में पड़ा है। अब हम लोग जो घर से निकलने वाले नहीं हैं, हम लोगों को इस तरह आप लोगों को सबके सामने इस तरह बोलना पड़ रहा है, क्यों अब हम क्या बोले इससे ज़्यादा। पत्रकार वर्ग लोग जो है ज्ञापन दिए हैं, मैहर की घटना को लेकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है, उसकी विधिवत और निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। उनका ये कहना था कि जो मंजीव बने हैं उसमें पत्रकार हैं तो उसकी पूरी जांच कराने के बाद निष्कर्ष पर पहुँचना, इसकी जांच कराई जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।